और सबसे ज्यादा हालात जहां पर बुरे हैं वो है पहाड़ी इलाके। उत्तराखंड की बात करें तो वहां पर जगह जगह बाढ़ बारिश से हालात बिगड़ रहे हैं, जिस पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर बनाए हुए हैं। सीएम धामी ने सोशल मीडिया पर भी जानकारी दी है, जहां रेस्क्यू के लिए चिनूक MH-17 हेलीकॉप्टर रवाना किया गया है। सीएम ने ये जानकारी दी, साथ ही 3 टैंकर ATF की भी मदद भेजी गई है। साथ ही प्रधानमंत्री ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। मुख्यमंत्री ने ये तमाम जानकारियां साझा की हैं। उत्तराखंड में अचानक हुई मूसलाधार बारिश से चारों तरफ हाहाकार मचा है। कहीं पुल बह गए हैं तो कहीं सड़कें धंस गई हैं। वहीं नदी नालों में बाढ़ आने से हर तरफ तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। घर दुकान के साथ साथ लोग भी इस सैलाब का शिकार बन रहे हैं। बताया जा रहा है कि कुदरत के कहर के चलते उत्तराखंड में कई लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं कई लोग लापता भी हैं, जिनकी तलाश में SDRF की टीमें जुटी हुई हैं। मूसलाधार बारिश के चलते हरिद्वार में गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। वार्निंग लेवल से गंगा नदी ऊपर बह रही है। पुलिस प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। अभी तक लिंचौली और हैली से 60 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक के लिए चेतावनी दी है। सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है। उत्तराखंड में भी नदी नालों में सैलाब है। इसका साइड इफेक्ट पार्किंग में खड़े इस ट्रक को देखकर समझ सकते हैं। सैलाब में फंसा ये भारी भरकम ट्रक किसी खिलौने की तरह बह गया। ट्रक कांवड़ यात्रियों का बताया जा रहा है। पार्किंग का नतीजा ही है। पहले भी 4 गाड़ियां बह चुकी है, 8-9 गाड़ियां बह चुकी है, सॉरी पहले भी 8-9 गाड़ियां बह चुकी है। देख सकते हैं आप, हमारा एक ट्रक जो कि कावड़ियों का है, एक ट्रक। उत्तराखंड में भी बादल फाड़ तबाही से बड़ा नुकसान हुआ है। यहाँ केदारनाथ में बादल फटा है, इससे तबाही का मंजर देखने को मिला है। रामबाड़ा से लिंचौली के बीच भारी नुकसान हुआ। मंदाकिनी नदी के सैलाब में 2 पुल बह गए। केदारधाम से गौरीकुंड तक अफरा तफरी के हालात हैं। केदारनाथ में करीब 200 श्रद्धालुओं के फंसे होने की खबर है। यात्रा का पैदल मार्ग भी तबाह हो गया। यात्रियों से सुरक्षित जगह पर जाने को कहा गया है। भीमबली में 20 से 25 मीटर पैदल रास्ता पूरी तरह से तबाह हो चुका है। रास्ते में बड़े बड़े बोल्डर आ गिरे। ये रामबाड़ा है जो यहाँ पर के दोनों पुल बह चुके हैं, और ये रामबाड़ा से कुछ पहले की वीडियो है। यहाँ पर भी बादल फटा है रात को। केदारनाथ धाम के 2 पुल बह गए हैं। सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाला जा रहा है। तो वहीं लैंडस्लाइड के चलते नैनीताल जिले में कुल 16 रास्ते बंद हो गए हैं। पिथौरागढ़ में लैंडस्लाइड के चलते फिलहाल 25 सड़कें बंद हैं। वहीं लैंडस्लाइड की वजह से सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच रास्ता तबाह हो गया। सड़क का बड़ा हिस्सा मलबे के साथ बह गया। केदारनाथ में तबाही के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया और अफसरों से रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली। कल रात्रि को यहाँ बादल फटने से और अतिवृष्टि होने से जानमाल की क्षति हुई है। 3 लोगों का दुखद यहाँ पर मृत्यु भी हुई है, और यहाँ पर भवनों का और सड़क का, पुलों का बड़ा नुकसान हुआ है। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी एक तो इस क्षेत्र का विस्तार।